अर्जुन उवाच अथ केन परियुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः। हरे कृष्ण। ये 36th श्लोक है थर्ड चैप्टर का। और पिछले श्लोक में हम थोड़ा रिकैप करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि जो द्वेषी लोग हैं वो मेरे मत को स्वीकार नहीं करते। और फिर भगवान ने बताया कि जो ज्ञानवान लोग हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी योगी, वो भी मेरे मत को स्वीकार नहीं करते, और कर्मकांडी या धार्मिक लोग भी मेरे मत को स्वीकार नहीं करते। और फिर पिछले श्लोक में जो कल हमने डिस्कस किया, उसमें भगवान ने बताया कि भगवान फिर अपना मत बता रहे हैं कि मेरा मत है क्या एग्जैक्टली। तो मेरा मत क्या है अर्जुन? श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, कि अपना स्वधर्म चाहे दोषपूर्ण ढंग से ही पालन क्यों ना किया जाए, वो श्रेय है। श्रेय का अर्थ मैंने बताया था, श्रेय का अर्थ है जो जिससे आत्मकल्याण हो और लोक कल्याण हो, या सिंपल शब्दों में श्रेष्ठ है अपना स्वधर्म पालन करना, चाहे उसमें मिस्टेक्स ही क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ है। इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपना स्वधर्म पालन करो, कर्म करो। ये भगवान का मत था जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था। अब उस मत को सुन के अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और ज़्यादा। और अर्जुन ने कहा कि भगवान ठीक है, मैंने आपका मत सुन लिया, लेकिन मैं आपका मत आपके अधीन होकर या शास्त्रों के अधीन होकर जो आप बता रहे हैं, मैं आपका मत फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फॉलो नहीं कर पा रहा कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना नहीं कर पा रहा मैं। इसलिए अर्जुन अब पूछ रहा है कि अथ केन प्रयुक्तो अयम, कि किसके द्वारा मैं प्रेरित होकर पापम चरित पुरुषः, पाप करने के लिए ऐसे मुझे लग रहा कोई प्रेरित कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा प्रेरित कर रहा है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, मेरे में इच्छा नहीं है पाप करने की, तब भी मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है। बलादिव नियोजितः, फोर्सफुली मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं तो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहता हूँ, आपके मत के अकॉर्डिंग ही चलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मन कर रहा है कि नहीं करूँ आपकी बातें फॉलो। और सबका हमारा यही क्वेश्चन होता है कि हम नहीं चाहते पाप करना, तब भी ऐसे लगता है कोई अंदर से कुछ फुआरा सा, कुछ कुछ एकदम से सांप आ रहा है कि डस दे, कुछ गलत काम कर ले, पाप कर ले। पाप करने के लिए हमारी अंदर से एक वासना आती रहती है, हम नहीं चाहते। इच्छा, हमारी इच्छा होती है पाप करने की, लेकिन हम चाहते नहीं है पाप करना। इच्छा और चाहना में डिफरेंस हो गया ना। इच्छा है हमारी क्योंकि करोड़ों जन्मों में हमने पाप किया, इससे वो इच्छा बनी हुई है, लेकिन इस जन्म में क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमने भक्ति का ज्ञान ले लिया, इसलिए अब हम चाहते नहीं है पाप करना, लेकिन इच्छा है। तो बहुत एक कन्फ्यूजिंग स्टेज होती है हम सबके साथ ही, और अर्जुन हमारा ही क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो अर्जुन और कह रहा है कि मैं नहीं चाहता, फिर भी ऐसा लग रहा है कोई मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अर्जुन का एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं पाप नहीं करना चाहता। मतलब अर्जुन अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता। अर्जुन भगवान कह रहा है, भगवान मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे कोई पाप में लगा रहा है। स्टूपिड क्वेश्चन है अगर एक तरह से देखा जाए। भगवान कोई टोपी पहना रहा है अर्जुन, इस तरह से समझ, भगवान कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि भगवान मैं नहीं करना चाहता, मैं जंगल जाकर तपस्या नहीं करना चाहता, मैं तो आपके ऑर्डर्स फॉलो ही करना चाहता हूँ आपके अधीन रहकर, लेकिन ऐसे लग रहा कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम कृष्ण के ऑर्डर्स फॉलो मत करो और अपने मन से जो करना वो करो। तो अर्जुन इस तरह से ब्लेम कर रहा है किसी और को कि भगवान मैं तो आपकी बात मत आपका फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन पता नहीं कोई फोर्स आ रही है, वो मुझे आपका मत फॉलो करने नहीं दे रही, आपके अधीन रहने नहीं दे रही। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी मेरी बनी हुई है, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो पाप करना चाहता हूँ। मतलब अभी तो उसका जंगल में जाकर तपस्या करना ही पाप था, क्योंकि भगवान का ऑर्डर था नहीं और वो अपना करना चाहता था। जंगल जाके उसका नर्क में आगमन होता, क्योंकि स्वधर्म भी नहीं करता। स्वधर्म में जो युद्ध करते हुए मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो स्वधर्म भी पालन नहीं करता, नर्क जाता, और ऊपर से भगवान का भी ऑर्डर था, तो ऐसे नर्क जाता कि पूछो ही ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने
तभी तो गीता बोली उसको नर्क जाने से बचा दिया, क्योंकि भगवान का बेस्ट फ्रेंड भी था। भगवान थोड़ी ना चाहेंगे मेरा जो मेरा बिल्कुल चिर संगी है वो नर्क चले जाए, इसलिए भगवान ने पूरी जान लगा दी अर्जुन के लिए भी और लोक कल्याण के लिए, पूरे संसार के हित के लिए भी। तो इसलिए फिर अर्जुन इस तरह से पूछा, और अर्जुन के द्वारा भगवान हमें बताना चाह रहे कि हम सब भी ऐसे ही हैं, हम सब भी हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं करना आ रहा, ये तो कुछ कोई मुझसे कोई मुझे फोर्स कर रहा है। हम भी ऐसे कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कुछ गलत करना आया था। अब अल्टीमेटली फिर कौन कर रहा है? प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मषों से मुक्त रहती है, फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होती, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आती है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करती है। अल्टीमेटली कहने का पॉइंट ये है कि आत्मा तो प्रभुपाद जी दिख रहे हैं कि आत्मा तो अपने में अच्छी ही है, आत्मा गंदी नहीं है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है बड़ा हो जाता है और बड़े होकर टेररिस्ट बन जाता है, किसी माँ का बच्चा वो उग्रवादी बन गया टेररिस्ट बन गया, लेकिन जब वो उसकी माँ से हम पूछेंगे माँ की उसकी अगर इंटरव्यू लेंगे कि आपका बच्चे के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो कहेगी मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, संघ में आके वो गंदा हो गया गलत हो गया वो उग्रवादी बन गया, लेकिन वैसे वो हृदय का बहुत अच्छा, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। उसी तरह से आत्मा कभी गंदी नहीं होती, आत्मा तो प्योर ही है, लेकिन संग में आकर इस भौतिक जगत का जब उसको संग मिला, एक संग करोड़ों जन्मों से माया का संग कर रही है आत्मा, इसलिए वो गंदी हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली वो गंदी नहीं, अंदर से वो अच्छी है। जैसे माँ कहती है ना मेरा बच्चा अच्छा ही है, मैं वो चाहे टेररिस्ट है लेकिन मैं उसको जानती हूँ, उसी तरह से भगवान भी कहते हैं मैं अपने जीवात्मा को जानता हूँ, अंदर से अच्छा ही है। इसलिए तो भगवान फिर जीवात्माओं को गीता बोलकर और शास्त्रों की रचना करकर और साधुओं को बेचकर दोबारा से उसको याद कराते हैं और भक्ति में लगाते हैं। आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है और आत्मा तो सदैव शुद्ध ही रहती है, सच्चिदानंद है, लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से वो इस संग कर करके गंदी बन गई, टेररिस्ट बन गई बस ये है, और टेररिस्ट करके भोग कर रही है। तो यही भगवान श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस तरह से। जैसे पानी के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो गीला तो होगा ही, कोई गीला हुए बिना थोड़ी ना बच सकता पानी के संपर्क में आए हुए। उसी तरह से भौतिक संसार के संपर्क में जब कोई आता है तो वो कॉन्टेमिनेट होता ही होता है, बच नहीं सकता। और फिर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि कॉज क्या है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा कोई मुझे करवा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा। तो अर्जुन अल्टीमेटली परमात्मा को ब्लेम कर रहा है कि भगवान आप ही तो मेरे अंदर बैठे हैं जो मेरे से मुझे कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और कौन करेगा, आप ही तो अंदर बैठे हैं। तो भगवान को ही ब्लेम कर रहा है, भगवान ऐसा लग रहा है अथ केन प्रयुक्त है हम पापम चरित पुरुष, कोई मुझसे आप मुझसे ऐसे लग रहा है पाप करवा रहे हैं, उल्टा ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भगवान ही तो अंदर बैठे हैं। अब वो कह रहे मैं तो करना ही चाहता लेकिन आप अंदर बैठे तो आप ही करवा रहे होगे स्वधर्म के विरुद्ध कर्म। फिर दोबारा से भगवान पे वो ब्लेम डाल रहे हैं, और सब हम ऐसे ही हैं, अर्जुन दिखा रहा है कि हम सभी जीवात्मा हैं, जितने भी लोग हैं संसार के हम सब कलयुग के लोग ऐसे ही हैं, भगवान पे ब्लेम डालते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि उसने किसका क्या बिगाड़ा था बेचारा, भगवान ने उसको ऐसा कर दिया। लोग भगवान को ब्लेम करने में नंबर वन है, और अर्जुन भी यहाँ पर परमात्मा को ही ब्लेम कर रहा है कि मैं तो नहीं करना था लेकिन आप ही अंदर बैठे हैं, आप ही सैंक्शन कर रहे हैं, आप ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कारण क्या है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, हम चाहते नहीं हैं लेकिन इच्छा बनी हुई है, वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमारे करोड़ों जन्मों के पाप हैं जिस कारण से हमें वेग आते हैं पाप करने के, उसको कहते हैं इम्पेलिंग कॉज, या उसको कहते हैं मटेरियल कॉज या उपादान कारण। हम खुद ही कारण हैं अपने पाप करने के लिए, जो हमें प्रेरणा आती है उसका कारण हम खुद ही हैं, हमने करोड़ों जन्मों में खूब गलत काम किए हैं इसलिए हमें वेग आते हैं। अब वो वेग जो आते हैं उसको सैंक्शन जो करता है वो परमात्मा करते हैं, इधर से वेग आया भगवान ने ठीक है साइन कर दिया ठीक है डन वेग दे दो। तो जब तक कोई भक्ति नहीं करता तब तक वेग आते रहते हैं, वो आगे के श्लोकों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भगवान अल्टीमेटली निमित्त कारण है,
हमें जो पाप करने के लिए जो प्रेरणा आ रही है, वेग जो आ रहे हैं, उसके भगवान निमित्त कारण है। मेन जो कारण है वो तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही कारण हैं अपने वेगों के आने के। जो उल्टे सीधे हमें वेग आते हैं कि समोसा खा लूँ, चाउमीन खा लूँ, मूवी देख लूँ, नेटफ्लिक्स देख लूँ, बस ये उल्टे सीधे जो थॉट्स आते हैं सब हमने ही अपने करोड़ों जन्मों के पापों से हमने ये चीज़ें प्राप्त की हैं, गंदे विचार। भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो निमित्त हूँ बस, वो तो तुम ही कारण हो अपने इन सभी पापों का। उसी तरह से तुम भी अर्जुन निमित्त बनो, क्योंकि मैं निमित्त हूँ। अब मैं तुम्हें वेग आ रहे हैं तो दे तो मैं ही रहा हूँ, क्योंकि निमित्त हूँ मैं, लेकिन मैं निमित्त हूँ, मेन कारण तो तुम ही हो, मैं तो बस एक सेंक्शनर हूँ, सेंक्शन करता हूँ बस, ठीक है कि मेरी, क्योंकि मैं परमात्मा के रूप में सेंक्शन के रूप में ही तो बैठा हूँ, सेंक्शन कर देता हूँ बस। उसी तरह से तुम भी निमित्त बनो अर्जुन, क्योंकि मैं सेंक्शन करता हूँ इसलिए मेरे ऊपर कर्मबंधन नहीं लगते। और इसी तरह से तुम भी युद्ध करो, तुम्हारे ऊपर भी कर्मबंधन नहीं लगेंगे, तुम भी युद्ध करने के लिए निमित्त बनो। युद्ध करने की इच्छा तो मेरी है, मैं करवाना चाहता हूँ ना युद्ध, तुम्हें तो बस, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो जिस तरह से मैं निमित्त बनता हूँ परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, उनको उनके पाप कर्मों के फल देने के लिए, उसी तरह से तुम भी निमित्त बनो, युद्ध करो। और तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम तो निमित्त मात्र हो, मैंने तो सुदर्शन चक्र चला के सबका गला काट ही दिया है, तुम केवल निमित्त बनो तो तुम्हें कर्मबंधन नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे, अपनी इच्छा नहीं है तुम्हारी दूसरों को मारने की, तुम मेरी इच्छा से चल रहे हो। तो भगवान इस तरह से चीज़ें क्लियर कर रहे हैं अर्जुन को। अब और डिटेल में फिर हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की।